शिक्षा के जिससे जीवन में उजियारा है, जीवन में उजियारा है। शिक्षा हमसे छूट गई तो बहनों हम आज सीखेंगे एक अक्षर थ और औ की मात्रा। एक छोटी सी थाली यहाँ रखो, फिर एक दूसरी थाली यहाँ इसके नीचे, इसके पास रख दो एक डोई और ये दूसरी डोई ऐसे। देखो ये लगने लगा अक्षर थ। एक बार फिर देखो, थाली थ। नमस्कार बहनों, लो जी मैं तो फिर आ गई। तुम लोग तैयार हो ना दूसरा अक्षर सीखने के लिए? हाँ तो भाई आज हम लोग सीखेंगे अक्षर थ। इसको लिखना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिखाऊं? चलो देखो, पहले ये बनाया गोला ऐसे, घूमी हुई लकीर उससे मिलाकर एक और घूमी हुई लकीर बनाई यूं, वही पुराना खड़ा डंडा ऐसे, वही छत वाली लकीर, बस बन गया अक्षर था। मुश्किल नहीं था ना, आसान था ना? अच्छा एक बार फिर देखते हैं। समझ आ गया ना, ये बन गया अक्षर था। अच्छा मैं चलूं? अरे नहीं 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 नहीं, तुम मत जाना, तुम थोड़ी देर लिखकर फिर जाना, फिर कुछ करना। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ अरे सुधा, तेरा सपना सच हो गया, प्रेम ने। मुझे पता है मौसी, इसीलिए तुझे बताने आई हूँ कि आज शाम को टेलीविजन पर प्रेम को देख लेना। अच्छा अरे पर रात को क्यों, अभी क्यों नहीं? हर बात का समय होता है मौसी, तुझे पता है इस खेल में एशिया भर के देश शामिल हो रहे हैं। होंगे, पर हमारे भारत वर्ष से बड़ा थोड़ी है तेरा ये एशिया। है मौसी है। रहन दे सुधा, मैं तेरी हर बात मानूं पर ये ना मानती कि हमारे भारत वर्ष से भी बड़ा कोई और देश है। अच्छा मौसी मत मान, पर तेरा बेटा जीता है, मुझे लड्डू तो खिला दे। अरे लड्डू तुझसे ज्यादा प्यारे थोड़ी है, ये ले मुंह भर भर खा। अरे और ले। अब नहीं। वो क्या, अरे तेरे जितनी थी मैं तो एक बेर में सवा सेर लड्डू खा जाती थी। हाँ तभी तो तू इतनी कड़क है। और क्या, इस कौवे की काए काए से परेशान मत होना, आज ये भी हमें पढ़ने में मदद देगा। देखो इस अ के डंडे को तो हम जानते ही हैं, इसके ऊपर अगर हम कौवे की चोंच रख दें तो वो बन जाएगा औ की मात्रा। एक बार फिर देखो, आ के डंडे पर रखी हुई कौवे की चोंच औ की मात्रा। अरे रे रे रे, कहाँ चली गई? मैंने कहा था ना मैं फिर आऊंगी। देखो अब मैं जो तुम्हें सिखाने जा रही हूँ वो है औ की मात्रा। बहुत ही आसान है, बड़े औ की मात्रा है, लिखे चलो देखो। इसमें सबसे पहले ये खड़ा डंडा बनाया यूं, उसके ऊपर ये एक बिंदी बनाई ऐसे, और उससे मिलाकर ये टेढ़ी लकीर यूं। अब उसके बराबर बिल्कुल वैसी ही बिंदी और लकीर यूं, फिर वही प्यारी सी छत वाली लकीर,
ये बन गई औ की मात्रा बड़े औ की। आसान है ना? साथियों, आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जाहिर है कि इस अवसर पर सभी बोलना चाहेंगे, मगर पंचों का फैसला यह है कि आज केवल 3 लोग अपने विचार गांव वालों के सामने रखेंगे, और वो लोग हैं पंडित जी, हमारे गांव की मास्टरनी गीता जी और मैं। तो सबसे पहले मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार गांव वालों के सामने रखें। साथियों, मुझे भाषण देना नहीं आता, इसलिए नहीं कि मैंने कभी भाषण नहीं दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने भाषण कभी सुना नहीं। मैं केवल एक बात जानता हूं कि हमारा देश पूरी दुनिया में मशहूर था, और इसका कारण था हमारी परंपरा, आपसी भाईचारा, साफ जल और अच्छी हवा। ये 3 बातें ही हमारी शक्ति का त्रिशूल हैं। प्रेम सिंह की सफलता पर पूरे गांव को गर्व भी है और आश्चर्य भी, लेकिन मुझे केवल गर्व है, आश्चर्य नहीं। जब उसकी उम्र के बालक सोए पड़े होते थे तो वह खेतों में दौड़ लगाता था, लाठी फेंकता था, वो गांव की शुद्ध हवा में पलकर जवान हुआ था। मैं ये चाहूंगा कि हमारे बच्चे भी प्रेम की तरह मेहनत करें, और हम अपने घर गलियारों को साफ रखें, पेड़ ना काटें। बस मुझे आप लोगों से इतना ही कहना है। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, प्रेम ने अपनी मेहनत और लगन से इस छोटे से गांव को पूरे देश का ताज बना दिया है, और इस शुभ अवसर पर मैं आप सबसे एक विनती करना चाहती हूँ। आप सब तो जानते ही हैं, यहाँ तक के आसपास के गांव वाले भी जानते हैं कि हमारा स्कूल एक बेहतरीन स्कूल है, मगर हमारे छात्रों के पास खेलने कूदने के लिए कोई जगह नहीं। अगर इस विषय पर आप सब विचार करें तो मैं आप सबकी बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद। सरपंच महोदय, मेरा खेत स्कूल के बराबर में है, मैं अपना खेत स्कूल को देता हूँ। रमजानी, तुम्हारी उपजाऊ जमीन पर खेल का मैदान बने, ये कोई ठीक बात नहीं है। पंचायत के पास ऐसी जमीन है जहां कुछ पैदा नहीं होता, हम वहां एक अच्छा खासा खेल का मैदान बनाकर गीता जी को दे देंगे। प्रेम बेटे की सफलता के बारे में जो लोगों ने कहा, वो सब जैसे मेरे अपने हृदय की आवाज थी। वो जब भी कभी छुट्टी पर गांव आएगा, हम उसका ऐसा अभिनंदन करेंगे जैसा कोई भी मां अपने सपूत का कर सकती है। अब और ज्यादा कुछ न कहकर मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की ओर से प्रेम की मां सीता देवी यानी कि आपकी मौसी को बधाई देता हूं, और ये कामना करता हूं, ये दुआ मांगता हूं कि हर मां ऐसा ही सपूत पैदा किया करे। इस नई नवेली दुल्हन की नथ कितनी सुंदर लग रही है। नथ, न थ नथ, ये है थैला, थ आई ल आ थैला। थैला भी कितने काम की चीज होता है, सब कुछ अपने में समेट लेता है। ये है भोजन की थाली, थ आ ल ई थाली। क
काए 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 का आओ व आ कौवा चौकी च आओ क ई चौकी। बैठने के बहुत सारे साधनों में एक चौकी भी होती है। द आओ ड दौड़। बच्चों के लिए भागना दौड़ना बहुत जरूरी है। दौड़। मेरी प्यारी प्यारी माँ, तेरे आशीर्वाद से मुझे बड़ी सफलता मिली है, स्वर्ण पदक जीता है। मेरे अफसर भी मुझसे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बहुत जल्द तरक्की भी हो जाएगी। मैं जब दौड़ने जा रहा था तो ऐसा लगा जैसे जीतने वाली रेखा के पार तू बैठी है और मुझसे कह रही है कि प्रेम आ जा मेरे चरणों तक। और बस यही हुआ माँ, तेरे आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी यूनिट में सारे साथी और अफसर भी मेरा बड़ा आदर करने लगे हैं। मैं इस दिवाली पे तेरे चरण छूने आऊँगा। कभी कभी तो बहुत याद आती है माँ, तेरा प्रेम। अरे मौसी, ये क्या तू रोने लगी? अरे तो मेरे ये आंसू भी तो खुशी के हैं। मौसी, लगता है इस बार की दिवाली हमारे गांव की सबसे अच्छी दिवाली होगी, है ना? हाँ, अब की प्रेम आवेगा ना तो उसे एक और खुशी मिलेगी। हो गया मौसी? अरे भूल गई, दिवाली के 15 दिन बाद तेरा ब्याह नहीं है, वो भी इस खुशी में शामिल हो जाएगा। मौसी, तो हर बात में मेरे विवाह की बात क्यों बीच में ले आती है? बस मौसी, मुझे अपने विवाह की बात से कोई खुशी नहीं है। न था नथ थ ना थन था क ना थकन थ ऐ ल आ थैला थ आ ल परे की मात्रा थाली दा औ की मात्रा ला दौड़ क औ की मात्रा व आ का डंडा कौवा च औ की मात्रा क बड़ी की मात्रा चौकी चा औ की मात्रा पा आ का डंडा ला चौपाल च औ की मात्रा र आ का डंडा ह आ का डंडा चौराहा। बहनों, हम आज मिलकर सीखेंगे दो अक्षर भ और आ। ये दो पके हुए आम डाली से लटकते हुए बिल्कुल अक्षर आ जैसे लगते हैं। एक बार फिर देखो, आम आ। अच्छी, ओह बड़े जोर की चीख आ गई थी। खैर सुनो, आज मैं एक खट्टे मीठे फल के नाम का पहला अक्षर लेकर आई हूँ। भाई तुम लोग समझ बैठी। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे अक्षर आ। समझ गई ना, इससे किस फल का नाम शुरू होता है? मेरे ख्याल में तुम समझ ही गई होगी, आम। चलो इसे अब हम लिखते हैं। ये आधा गोला, फिर एक और आधा गोला, फिर वही लेटी लकीर, खड़ा डंडा, आगे एक और खड़ा डंडा, और फिर वही छत वाली लकीर। और ये बन गया अक्षर आ।
एक बार फिर लिखें, देखो। आंख भगवान का कितना बड़ा वरदान है। आ आप में चंद्र बिंदु, ख आंख, आग आ ग आग। क्यों रे ये सामान क्यों बांध रहा है, कहां जा रहा है, कहीं लाम पे जा रहा है क्या? ऐसा ही समझ ले, जीवन भी तो एक तरह की लड़ाई हो है। अरे सीधे से क्यों नहीं कहता कि कमला के पास जा रहा है, और वहां जाने के लिए तुझे सामान की क्या जरूरत है, और शाम तक लौट आना उसे लेके। कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ मैं वहाँ। उसका अपना तो ठौर ठिकाना है कोई ना, जो तू घर जमाई बन जाता, निर्लज कहीं का। अम्मा तू बेकार की बात तो करे मती, मैं वहाँ काम करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ क्या कोई काम की कमी है? अरे सीधे से कह के उसके बगैर तेरा दिल नहीं लगता, बेशरम कहीं का। अम्मा तू चलते वक्त सफर तो खोटा करे मती। जरा मैं भी तो सुनू, तू क्या काम करेगा वहाँ? कमला कारखाना लगा रही है वहाँ, 500 औरतें काम करेंगी उसमें। क्या कहा तूने, कारखाना लगा रही है? अरे बड़ी कलेक्टर बन गई वो तो। अब वो पढ़ी लिखी है, पढ़ना लिखना सब जाने हैं। पहले तो वो छोड़ गई, अब तू भी छोड़ जा, जा जाके बैठ जा उसके पास। मैं क्या करूंगी यार, ठीक है भीख मांगूंगी, भीख मांग के गुजारा करूंगी, इतनी ऊंची हो जाएगी तुम्हारी नाक। अम्मा फजूल की बात तो करे मती, हम गरीब जरूर हैं, मगर मेहनत से कमाना जाने हैं। ये ले, जब तक रहने का ठिकाना करके आऊंगा तब तक ही तेरे काम आएंगे। हाँ हाँ तेरी महारानी वहां आने देगी मुझे। अम्मा तू भी बस, ये रहा उसका खत, अगर खुद पढ़ना नहीं आवे ना तो जाके किसे पढ़वा ले। उसने सबसे पहले यही लिखा है कि ठिकाना होते ही मैं अम्मा को खुद लेने चली आऊंगी। ऐसा लिखा है? माँ अक्षर पहचानती हो ना, इसकी छत वाली लकीर आधी काटकर आगे लाए और मोड़कर गोला बनाया, बन गया भा। ये है माँ, इसकी छत वाली लकीर आधी काटकर आगे लाए और मोड़कर छोटा सा गोला बनाया, बन गया भाव। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ अक्षर भ। अक्षर भ लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है, बस वही अपनी पुरानी तरकीब लिखे। चलो सबसे पहले बनाया हमने ये छोटा सा गोला, और फिर खींची ये सीधी लकीर, उससे मिलाकर ये एक बिंदी बनाई, इस बिंदी से मिलाकर ये लेटी हुई लकीर खींची, खड़ा डंडा, छत वाली लकीर, और ये बन गया अक्षर भ, और ये बन गया अक्षर भ। अरे भाई कहाँ चली, एक बार फिर नहीं देखोगी? देखो सारा ले लिया,
और वो तो कह रहे थे कि सामान धड़ाधड़ बिक रहा है। हाँ बिकेगा क्यों नहीं, हमारा सामान जितना बढ़िया होता है। नहीं पानी तो ले लो, भैया बात करने दे। हाँ अच्छा बात कर कमला, और सामान के बारे में बात करें। हाँ बहन जी, वो तो कह रहे थे कि और सामान बना है तो वो भी ले आओ, वो भी सारा खरीद लेंगे। एक बात है, पैसों के बारे में कुछ कहा? ये देखो ना बहन जी, अब तक जो सामान बेचा है ना तो उसके ये पैसे दिए हैं आधे। अच्छा, लेकिन ये पैसे मेरे पास नहीं, बैंक में रखो। जानती है क्यों? जितने दिन ये पैसा बैंक में रहता है ना, उतने दिन का इस पैसे पर ब्याज मिलता है। और जब चेक काट कर तू लोगों को पैसे देगी ना इसमें से, तो इसका हिसाब किताब भी बहुत आसान हो जाएगा, समझी? तो क्या आप नहीं रखोगे ये पैसे को? बिल्कुल नहीं। हर समय दूसरे के सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखो। पहले अपना बारी ले लो। ठहर जा बेटा, कमल आ रहा है आज? चिट्ठी में तो यही लिखा था, शायद आज आ जाए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। जानती क्यों पूछ रही हूँ? तुम लोगों का अलग मकान का प्रबंध हो गया है। तो क्या आप मेरे को घर से निकाल दोगी? अरे घर से कहाँ निकाल रही हूँ मामा। नहीं बहन जी, आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं घर छोड़ के जाने वाली। मैं जानती हूँ, मेरी बात से इनकार करना तो तूने सीखा ही नहीं। लेकिन चला बूट, बहुत आराम हो चुका। अगर कमल आ रहा है तो घर की जरा झाड़ पोछ कर ले और एक दो खाने की अच्छी चीजें भी बना लेना। उठ उठ जा, चल शाबाश। हाँ जी लाओ, क्या खेलना, मेरी बारी है ना, दे। ये है अपना देश भारत। भ आ र त भारत। 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद कई नेताओं की कुर्बानियों से हमें आजादी मिली। आ ज आ द ई आजादी। पता है हर मिनट हमारे देश में 48 बच्चे पैदा होते हैं। इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने में ही हम सबका भला है, क्योंकि दूसरे जरूरत के साधन बढ़ती हुई आबादी का साथ नहीं दे पा रहे हैं। आ ब आ द ई आबादी आबादी। अरे कमला, तूने तो कमाल ही कर दिया, इतना बड़ा कारखाना लगा लिया। 17 लड़कियां काम करती हैं वहाँ। और तू सबकी अफसर। गीता बहन जी ने तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, और तो और सारे निर्णय भी मैं ही लेती हूँ आजकल। तेरी बहन जी बहुत अच्छी हैं। सच, मेरे लिए तो साक्षात देवी का अवतार है। अब तू बता मुझे क्या काम करना होगा। ले लो, बाहर का काम। मैं शहर जाऊंगी ना तो तेरे को भी अपने साथ ले जाऊंगी। वहां पर क्या काम करना है, किससे मिलना है, कहां से माल लेना है, कहां देना है, सब समझ लेना। तू परवाह ना कर, ये तो बस मैं एक ही दिन में सीख लूंगा। सो तो है, वैसे भी अब तू कितना बदल गया है ना। सच्ची, शिक्षा से आदमी के चेहरे पर कितना तेज आ जाता है। अब मैं अधिक गलतियां तो ना करूं हूं? ना बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताऊं, बहन जी तेरी बड़ी तारीफ कर रही थी। सच? हाँ, और कह रही थी कि तेरा पति कितना होशियार है, कितने कम समय में इतना कुछ पढ़ना लिखना सीख गया। तेरे साथ रहूंगा तो और जल्दी सीख जाऊंगा। सो तो है। और सुन, बहन जी ने हमारे रहने के लिए मकान का भी बंदोबस्त कर दिया है। हम जब वहाँ रहने जाएंगे ना तो माँ जी को भी बुला लेंगे। अम्मा ने तेरे साथ फिर झगड़ा किया तो? मुझे से झगड़ा करेगी ना, तुझे क्या? अच्छा जी, हमें कुछ नहीं। शाम होने वाली है कमला, मैं सोच रहा हूँ गांव वापस चला जाऊं। क्यों, तू कोई अधूरा काम छोड़ के आया है क्या? नहीं तो बस यूं ही। सुन, आज का दिन रुक जाना। तूने अपनी बहन जी से पूछा जिनका घर है?
बहन जी। अरे कमल तुम? नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। अब देखो अब आ गए हो तो दो चार दिन ठहरना, एक तो सारा काम समझ लो, अपना घर भी ठीक ठाक कर लो, फिर अपनी अम्मा को लेकर आ जाना। हम ठीक है बहन जी। आ गा आग आ मा आम आ चंद्र बिंदु खा आग भा आ का डंडा रा भाड़ भा ए की मात्रा रा भेड़ भा आ का डंडा र ता भारत। चलते जाए